नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। ये वो दर्द है जो किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं है। यूजुअली दर्द जो होता है चोट लगने के बाद भी हो सकता है, दर्द हड्डी टूटने के बाद भी हो सकता है, दर्द इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है और ट्यूमर के बाद भी हो सकता है। पर आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो हमारा डीजनरेटिव, यानी कि एज वी एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ घिसते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मसल्स वीक होती हैं। हम उस जोड़ के दर्द की बात करेंगे आज। यूजुअली हम लोगों को, डॉक्टर्स को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, कुछ सालों पहले, लगभग 15 से 20 साल पहले, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज नहीं आते थे जो कि 30 साल की उम्र से पहले ही जोड़ में दर्द की शिकायत लेकर आए हों हॉस्पिटल में। आज की डेट में 30 साल से 50 साल के बीच की उम्र में जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। नी रिप्लेसमेंट, घुटने बदलना, यूजुअली हम 65 ऑनवर्ड्स की एज में करते थे या उनको ज़रूरत पड़ती थी इस एज में, पर आज की डेट में 50 से 65 साल की ब्रैकेट के अंदर भी बहुत लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके जोड़ इस कम उम्र में भी इतने ख़राब हो जाते हैं कि उनसे चला नहीं जाता, वज़न लिया नहीं जाता और वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। खैर, हमें अपने जोड़ों को एक स्पेशल अटेंशन, उसकी तरफ खास ख्याल, उसका रखने की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपनी स्टडीज़ ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि जब तक स्टडीज़ चलती है तब तक तो इंसान को किसी बात का होश रहता नहीं, एक धुन सवार होती है कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। बट वंस यू गेट इनसाइड योर जॉब, वंस यू आर सेटल्ड, वंस यू आर डन विद द स्टडीज़, जॉब के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना, बढ़ना हम सब ने आगे है अपने जॉब में, हम सब ने आगे बढ़ना है, हम सब ने सफलता की अलग अलग मंजिलें पानी है, पार करना है, पर उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी सेहत के साथ, आपको अपने जोड़ों की सेहत के साथ। इसमें हमारे जो तीन दुश्मन हैं वो हैं कमज़ोर हड्डी, हमारी कमज़ोर मसल्स और हमारे जोड़ का कुशन, गद्दा, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसका जल्दी जल्दी घिसना। ये तीन चीज़ें ही हमें प्रिवेंट करनी हैं, और अगर हम ये तीन चीज़ें प्रिवेंट कर ली तो जो फोर्थ दुश्मन है, विच इज़ नोन एज स्टिफनेस, जोड़ जकड़ा सा रहता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कई सालों की रिसर्च के बाद हम एक इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि लेज़ी लाइफस्टाइल जीने वाले आदमी को या इंसान को अपने वेट इनटू वेट इन केजीज, किलो में वज़न, इनटू 0.8, इतने ग्राम्स प्रोटीन डेली रिक्वायर्ड होता है। यानी कि एक एवरेज मेल हु इज 70 केजीज, जो 70 किलो का है, उसको 56 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए, और एक एवरेज फीमेल को भी वजन गुणा 0.8 इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, 48 ग्राम इफ शी इज 60 केजीज ऑफ वेट। ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन का कल्चर है, तो वो कल्चर में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोटीन इनटेक है वो कितना है। यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आई टेक डाइट हिस्ट्री, मैं डाइट हिस्ट्री सबकी लेता हूँ और मैं एक्सरसाइज हिस्ट्री भी सबकी लेता हूँ, ये मेरी आदत है बहुत पहले से। तो एक मेरा यूजुअली कंक्लूजन है कि एक वेजिटेरियन यूजुअली 27 to 35 ग्राम्स प्रोटीन डेली हिट कर पाते हैं, वो इतना ही ले पाते हैं। इसमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, देर आर मेनी अदर ऑप्शंस, दालें हैं, सोयाबीन हैं, चने हैं, दूध दही है, पनीर है, टोफू है, और
अगर इन सब से भी अगर आप हिट नहीं कर पाते हैं, द ईजिएस्ट ऑप्शन इज़ एन ऑल प्लांट प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो कि पेड़ पौधों से निकाला गया है। वो 30 ग्राम का स्कूप, अगर 30 ग्राम का चम्मच एक होता है तो यूजुअली 25 ग्राम आपको प्रोटीन दे देता है। उसको आप दाल में भी डाल सकते हैं, आटे में भी गूंथ सकते हैं। ये तो हमारी समस्या ख़त्म हो गई पहली, प्रोटीन। क्योंकि हड्डी और कार्टिलेज दोनों के लिए, दोनों की मजबूती के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी जैसी चीज़ों से पहले बिछता है कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर, वोवन बोन। अगर कोलाजन फाइबर नहीं है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है जी इसका, हड्डी का वापस से स्ट्रांग हो जाना। सेकेंड हम पॉइंट पे जो आएंगे वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। वी सी इन ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स अक्रॉस ऑल एजेस, हर उम्र के हर आदमी के अंदर ये मान के चलते हैं कि इसमें विटामिन डी की कमी होगी ही। यूजुअली उन लोगों में जो कि एक अर्बन लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल पीपल। रूरल लोग तो धूप में निकलते भी हैं और उनके कॉस्मेटिक्स भी यूज़ नहीं करते हैं, पर जो अर्बन लोग हैं, एक तो धूप में नहीं निकलते और दूसरा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर होता है सनब्लॉक। सनब्लॉक क्रीम्स जो होती हैं वो यूजुअली अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर नहीं आने देती स्किन के, इसलिए वो शरीर को काला नहीं होने देती। पर उसका घाटा ये है कि विटामिन डी जो स्किन में एक्टिवेट होता है, विटामिन डी के दो एक्टिवेशन होते हैं, एक स्किन में और एक किडनी में। तो फर्स्ट एक्टिवेशन टेक्स प्लेस इन द स्किन, पहला एक्टिवेशन उसका स्किन में होता है, वो एक्टिवेशन नहीं हो पाता तो दूसरे का सवाल नहीं उठता। तो विटामिन डी के कमी के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो वो बोन को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो उसमें भी जोड़ों के दर्द होने लगते हैं, स्पेशली घुटनों के दर्द होने लगते हैं। और इसलिए विटामिन डी आप अपना चेक करवाएं और डॉक्टर से परामर्श लें और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट डोजेज भी लें, जिसको हम थेरेप्यूटिक डोज बोलते हैं, और उसकी मेंटेनेंस डोज भी लें। अगर कंटिन्यू करनी है तो उसे कंटिन्यू करें, किसी के बहकावे में ना आए। मल्टीविटामिन, यानी कि फ्रूट्स और सब्जियों से मिलने वाले विटामिन, इफ़ यू आर अ रेगुलर ईटर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू विल गेट देम। अगर ऐसा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, ज़िंदगी की भागदौड़ ज़्यादा है, तो इट इज़ बेटर टू टेक अ मल्टीविटामिन टैबलेट, बट डू नॉट नेग्लेक्ट योर बॉडी। इसके अलावा हमारे को एक कैल्शियम का सोर्स रखना है अच्छा, और थोड़ा सा हमें करना है एक्सरसाइज। लगभग 20 साल पहले ये कहना कि आदमी को चलना चाहिए और चलने को ही एक्सरसाइज कहते हैं, तो 20 साल के पहले वाला इंसान शायद इसे एक मजाक समझता, पर आज की डेट में हम लोग इतने बिजी लाइफस्टाइल में बंध चुके हैं कि साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि एटलीस्ट वॉक 8,000 to 10,000 steps। कि नहीं एक्सरसाइज कर रहे कोई बात नहीं, बिजी लाइफ शेड्यूल है कोई बात नहीं, डिजिटल एज है, मॉडर्न ज़माना है, पर फिर भी कम से कम 8,000 to 10,000 steps हर हालत में रोज़ चलने ही हैं। इससे आपके हार्ट की, लंग्स की और हड्डियों और जोड़ों की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, पर हम में से अधिकतर लोग उस चीज़ को भी नहीं फॉलो कर पाते। जोड़ और हड्डी, इनके लिए कसरत बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत पहले एक साइंटिस्ट ने एक लॉ निकाला था जिसको हम वॉल्व्स लॉ कहते हैं, जिसके हिसाब से द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू। किसी बोन की मात्रा और उसकी ताकत इस बात पे निर्भर करती है कि उसको कितना स्ट्रेस दिया गया है, कितनी एक्सरसाइज करी गई है उसकी, उस पर अटैच्ड मांसपेशियों द्वारा। तो अगर हम नहीं अपनी बोन को मसल्स को यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारे को वैसे ही एक चीज़ हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं डिसयूज़ ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब यूज़ ना करने के कारण हड्डी का कमज़ोर हो जाना, एंड विच इवेंचुअली बिकम्स अ कॉज फॉर नी पेन, जोड़ों में दर्द। तो ओवरऑल अगर हम एक पिक्चर क्रिएट करें अपने जोड़ के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन आपकी डाइट, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन, अ पर्टिकुलर पार्ट शुड कम फ्रॉम
प्रोटीन्स, मिनिमम प्रोटीन की मात्रा मैंने आपको बता दी है 0.8 इंटू पर केजी बॉडी वेट, इतने ग्राम। दूसरी चीज़ हमारे मल्टी वाइटमिन्स एंड फाइबर्स जो कि फ्रूट और वेजिटेबल से आ जाएंगे। जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती उससे हम भागेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन डी। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द हेल्थ ऑफ द बोन्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हेयर फॉल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हेडेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा COVID-19 के पैंडेमिक के टाइम में विटामिन डी का रोल बहुत ही बढ़िया पाया गया इससे लड़ने में, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में। तीसरी चीज़ हमारी रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं एक प्रिकॉशन बता देता हूँ आपको, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप अपने घुटनों को अनसपोर्टेड 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड ना करें, यानी कि जो हम उठक बैठक करने वाला जो व्यायाम होता है उसमें हम अपने घुटनों को 90 डिग्री से नीचे नहीं ले जाएंगे। बाकी आप कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र के बाद केवल वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें और चौकड़ी लगा कर भी ना बैठें। अगर आपको शुरू से एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो ऑल ऑफ अ सडन अगर हम एक दिन हाई लेवल विग्रस एक्सरसाइज करने लगेंगे तो हमारे जोड़ों का स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, वो ख़राब ही होगा। इसके लिए आपको बहुत पहले से प्लानिंग करनी होती है फ्रॉम द एज ऑफ 30 ईयर्स, जब हमारे जोड़ ऑलरेडी घिस चुके होते हैं। उसके बाद विग्रस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हाई मैग्नीट्यूड का व्यायाम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे जोड़ खराब ही होते हैं। तो हमारे को हल्के फुल्के व्यायाम, पूरे दिन में 8 से 10 हज़ार कदम, प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा और कैल्शियम और विटामिन डी, इनका ख्याल रखना है। इसके रिजल्ट्स देखने के लिए आपको बहुत सालों इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स, ये आपके जोड़ों का स्वास्थ्य सालों बाद सालों तक अच्छा रखते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनका मैं स्वयं बहुत ही सीरियसली फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को, मेरी उम्र लगभग 50 साल है और मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं मैं इसको फॉलो करता हूँ। अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जो मैंने अभी अभी आपको टिप्स दी हैं उसे फॉलो करें, और मैं कामना करता हूँ कि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे और कई सालों तक बिना दर्द के लंबी लंबी दूरियां चलकर पार करेंगे। धन्यवाद।